हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। अपन पढ़ रहे थे एवरेज, औसत। इसमें अपन ने पहली क्लास में बेसिक कंप्लीट कर लिया था, जिसमें अपन ने फॉर्मूला बेस जितने भी बनते हैं औसत से संबंधित क्वेश्चन वो डिस्कस किए थे। जैसे पहले अपन ने पढ़ा था, सबसे पहले औसत क्या होता है, औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। उसके बाद n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, इसके फॉर्मूले देखे थे। उसके बाद क्या देखा था, प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का औसत, प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का औसत, उसके अलावा यदि अंतर समान हो, क्या देखा था, यदि अंतर समान हो तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा दो, यह होता है। यदि अंतर समान हो तो औसत बराबर क्या होता है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा दो। ये चीजें अपन ने पहली क्लास में डिस्कस कर ली थी। अगर आपने नहीं देखी हो तो पहले वो वाला वीडियो देखिएगा। आज अपन देखेंगे यदि अंतर समान है तो क्या होता है, यदि अंतर समान हो है तो मध्य संख्या ही औसत होती है। यदि अंतर समान है तो मध्य संख्या ही क्या होगी, औसत। मध्य संख्या ही क्या होगी, औसत, एवरेज। जैसे ए बी सी डी ई पांच संख्या है तो इसका औसत क्या होगा, मध्य की संख्या कौन सी है, इधर भी दो, मध्य की संख्या सी, तो औसत क्या होगी, अपने औसत होगी सी। इस पे अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। पांच क्रमागत संख्याओं का औसत है 237। पांच क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत है 237। हमें निकालना है प्रथम वह अंतिम संख्या का योग। देखो, पांच क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत दे रखा है 237। हमें निकालना है प्रथम व अंतिम संख्या का योग। कैसे करेंगे, हमने अभी बताया था यदि अंतर समान हो तो मध्यमान ही क्या होता है, औसत। ए बी सी डी ई तो सी की जगह पर क्या आ जाएगा, 237। अब कौन कौन सी संख्या बची, दो इधर लिख लो। 37 के बाद क्या आता है, 38। 38 के बाद क्या आता है, 39। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा था पांच क्रमागत प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक से लगाकर, नेचुरल नंबर, एक से लगाकर अनंत तक, 1, 2, 3, 4। तो 37 के बाद क्या आएगी, 38। 38 के बाद क्या आएगी, 39। अब पीछे चलो तो 37 से पहले क्या होगी, 235। हमें क्या निकालना है, प्रथम 235, अंतिम 239 का योग, 8, 5, 13, 1, 14, 7, 4। अपना आंसर क्या आया, 474। प्रथम संख्या क्या है, यह है प्रथम संख्या, ये क्या है, अंतिम। हमें क्या करना था, इन दोनों का योग करना था, हमने इन दोनों का योग कर लिया, अपने आंसर आ गए।
इसी प्रकार नेक्स्ट अपन देखेंगे पांच क्रमागत, पांच क्रमागत सम संख्या, पांच क्रमागत सम संख्याओं, पांच क्रमागत सम संख्याओं का औसत दे रखा है 240। हमें निकालनी है प्रथम व अंतिम संख्या। पांच क्रमागत सम संख्याओं का औसत दे रखा है 240। हमें निकालनी है प्रथम और अंतिम संख्या। 240 क्या होगी अपने औसत क्यों होगी, क्योंकि मध्यम संख्या ही क्या होती है औसत। दो इधर दो इधर, 40 के बाद अगली सम संख्या क्या आएगी 42, इसके बाद 44, 40 से पहले क्या थी 38, 38 से पहले 36, 236, 38, 40, 42 और 44। हमें क्या निकालना, प्रथम व अंतिम संख्या। तो प्रथम संख्या तो आएगी ये, अंतिम संख्या आएगी 244, जो कि अपने क्या है आंसर। पांच क्रमागत सम संख्याओं का औसत दे रखा था 240, प्रथम व अंतिम संख्या निकालनी थी। कोई दिक्कत, हम पढ़ रहे हैं अगर मध्य मान हो तो कैसे निकालते हैं। एक और बनता इसे, अगर पांच क्रमागत सम संख्याएं हो, सॉरी सम अपन ने देख लिया, अब क्या बचा विषम, विषम संख्याओं का औसत दे रखा हो तो प्रथम व अंतिम संख्या ज्ञात कीजिए। औसत कितना मानने अपन 931। पांच क्रमागत विषम संख्याओं का औसत है 931। हमें निकालना है प्रथम व अंतिम संख्या। सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न के चल रहे हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अपन नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। देखो 931, ठीक है 31 के बाद क्या आएगा विषम संख्या 33, 34 और 35, 31 से पहले 29, 29 से पहले 27, 28 छोड़ी 29, 30 छोड़ा 31, 32 छोड़ा 33, 34 छोड़ा 35। 927 प्रथम संख्या होगी अपने और 935 होगी अंतिम संख्या, फर्स्ट और लास्ट नंबर, ये क्या होंगे अपने आंसर। आ गया समझ में, हमें अगर मध्य समान अंतर दे रखा हो तो मध्य संख्या ही क्या होगी, मध्य संख्या ही औसत होगी। अब तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन नेक्स्ट तरह के क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या है, n संख्याओं का औसत 105 है, n संख्याओं का, n संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 105 है, n संख्याओं का औसत 105 है। यदि नया औसत ज्ञात कीजिए, नया औसत ज्ञात कीजिए,
नया औसत ज्ञात करना है। यदि प्रत्येक संख्या में पांच जोड़ दिया जाए पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा, यदि प्रत्येक संख्या में पांच घटा दिया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, यदि प्रत्येक संख्या में पांच गुणा किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा चौथा, यदि प्रत्येक संख्या में पांच का भाग दिया जाए चार क्वेश्चन हो गए अपने सामने। अपन चाहे तो इसको एक सेकंड में कर सकते हैं, ठीक है ना, सीधा आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अपन समझेंगे ऐसा हो क्यों रहा है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, n प्राकृत संख्याओं का औसत है 105, ठीक है, नया औसत ज्ञात करना है। यदि प्रत्येक संख्या में पांच जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में पांच घटा दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में पांच गुणा किया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में पांच का भाग दिया जाए, क्या होता है? अगर प्रत्येक संख्या में जो चीज होती है वही चीज औसत में होगी, जैसे 1, 2, 3 तीन संख्याओं का औसत निकालना हमें, तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, कितनी संख्या हुई, 3, 3, 2, 5 और 1, 6, ठीक है, 6/3 औसत कितना आया, 2। अब क्या, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, प्रत्येक संख्या में पांच जोड़ दिया जाए, जोड़ दो प्रत्येक संख्या में, 1, 2, 3 में पांच जोड़ दो, क्या आएगा, 6, 6, 5, 2, 7, 5 और 3, 8, 8, 15, 15 और 6, 21 बटा संख्या तो 3 ही है, 3, 3 और 7, 21 आंसर क्या आया, 7 आया। अब इसको अपन इतना नहीं करते, इसमें जोड़ते नहीं, तो सीधा आंसर कैसे निकालते, प्रत्येक संख्या में जो चीज़ हो रही है वही चीज़ हमें डायरेक्ट औसत में करनी है। अगर ये बोल रहा है प्रत्येक संख्या में पांच जोड़ा जाए, अपन सीधा डायरेक्ट औसत में पांच जोड़ देते, आंसर क्या आ जाता, 7। ये इतना करने की ज़रूरत ही नहीं थी, इसमें प्रत्येक संख्या में पांच जोड़ो, फिर इनको वापस जोड़ो, फिर वापस भाग दो, फिर आंसर निकालो। जो चीज़ अगर प्रत्येक संख्या में हो रही है वो चीज़ अपन डायरेक्ट औसत में कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, यदि प्रत्येक संख्या में पांच जोड़ा जाए, अपन नहीं जोड़ेंगे, अपन डायरेक्ट औसत में जोड़ेंगे, 105 और 5, 110 अपने आंसर, ठीक है। अब यह बोल रहा प्रत्येक संख्या से पांच घटाओ, अपन नहीं घटाएंगे, अपन सीधा औसत से घटाएंगे, 105 में से पांच माइनस करो, 100 आंसर। ये बोल रहा है प्रत्येक संख्या को पांच से गुणा करोगे, अपन 105 को पांच से गुणा करेंगे, 25, 5 एकम 5, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, प्रत्येक संख्या में पांच का भाग दो, अपन सीधा ही औसत में भाग देंगे, 105 में पांच का भाग दो, आंसर समझ में आया,
इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, अगर प्रत्येक संख्या में कोई हलचल हो तो हमें प्रत्येक संख्या को इधर उधर नहीं हिलाना है, सीधा डायरेक्ट औसत को हिलाना है। अगर जोड़ना हो, चाहे घटाना हो, चाहे गुणा करना हो या फिर भाग करना हो, अपन संख्या को नहीं छेड़ेंगे, सीधा औसत को छेड़ेंगे और जो इसने करने की बोला वो अपन सीधा औसत के साथ करेंगे। यहाँ पाँच जोड़ा, यहाँ पाँच घटाया, यहाँ पाँच गुणा किया और यहाँ पाँच से भाग दिया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। जितना टाइम क्वेश्चन लिखने में लगा उसका 1/10 समय क्वेश्चन सोल्व करने में नहीं लगा। पांच क्रमागत विषम संख्याओं का औसत है 51। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांच क्रमागत विषम संख्याओं का, विषम संख्याओं, पांच क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, औसत है 51। तो प्रथम व अंतिम संख्या ज्ञात कीजिए। पांच क्रमागत विषम संख्याओं का औसत है 51, तो प्रथम व अंतिम संख्या ज्ञात कीजिए। आप सोच रहे हैं ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, वापिस क्यों लिखा? अपन एक्चुअल मेथड तो समझते हैं कि निकालते कैसे, बाकी एक सेकंड में आपको आंसर निकालना सिखा दूंगा, जो अपन ने अभी जस्ट पहले सीखा था। सीखा क्या दूंगा, पहले सीखा दिया। ठीक है, चलो प्रथम और अंतिम संख्या निकालनी है पांच क्रमागत विषम संख्याओं का औसत दे रखा है 51। अपन मान लेते पहली संख्या है x, दूसरी संख्या क्या होगी, एक के बाद में अगली संख्या क्या आती है, विषम संख्या, तीन, तीन के बाद में क्या आती है, पांच, पांच के बाद में सात, सात के बाद में नौ। इसमें कितना जोड़ेंगे तो नेक्स्ट संख्या आएगी x प्लस दो, वापिस x प्लस चार, इसमें जोड़ो x प्लस छः, x प्लस आठ। देखो x और आठ जोड़ेंगे तो नौ, x और छः जोड़ेंगे तो सात, x और पाँच जोड़ेंगे तो, x और दो जोड़ेंगे तो तीन। आगे समझ में, x माना एक तो तीन, पाँच, सात और नौ। मतलब अगर सम संख्या माननी हो चाहे विषम संख्या, हमें x और x प्लस टू ही जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में डिफरेंस कितना होता है, दो का होता है। अब ये बोल रहा है पांच क्रमागत, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, अपन ने मान ली पांच क्रमागत संख्याओं का औसत कितना दे रखा, 51, औसत बराबर 51। नीचे राशियों की संख्या पाँच, अब इनको जोड़ लो, जोड़ा तो है ही नहीं, ठीक है। एक्स कितने, एक दो तीन चार पाँच, क्या लिखेंगे, पाँच एक्स, इनको जोड़ो, छः, छः बारह, छः अठारह, उन्नीस बीस, बीस आया, आठ पाँच तेरह चौदह, चौदह चार अठारह, अठारह और दो बीस, बटा पाँच किसके बराबर है, 51 के। पक्षांतर करो, पाँच को उधर गुणा कराओ, पाँच एक्स प्लस बीस बराबर पाँच, पच्चीस। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करो, पक्षांतर करो, पाँच एक्स बराबर 255 माइनस बीस, बीस गए 255 में से कितने बचेंगे, पाँच, तीन, दो, 235, 45, 55, पाँच एक्स बराबर आया 235, एक्स बराबर क्या आएगा, निकालो, आप निकालो, 235 बटा पाँच, पाँच चौक 20, पाँचों सत्ता
35, पहली संख्या क्या आई 47, अपन ने मानी पहली संख्या ये है, अंतिम संख्या ये है, तो पहली संख्या बराबर फोर्टी सेवन, अंतिम संख्या सही तो है, अंतिम संख्या x प्लस आठ, x मानी थी x की सीधी वैल्यू रख दी थी, x में x प्लस आठ, x बराबर कितना है 47 प्लस आठ 15 55, आंसर ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अपन ने मानी पहली संख्या ये है, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, ये चौथी संख्या और ये पांचवी संख्या। कितना अच्छा लग रहा है ये क्वेश्चन करने में। अब इसी क्वेश्चन को अपन एक लाइन में देखेंगे, एक लाइन में, एक मिनट में, ध्यान से देखना। क्या करें, चलो इसको हटा के ही करते हैं। लेकिन ये मेथड समझाना भी जरूरी था, इसलिए समझाया। देखो औसत क्या दे रखा था 51, हमने अभी सीखा था मध्य का मान ही क्या होता है औसत। कितनी संख्या क्रमागत, पांच संख्या, इधर दो आएगी इधर दो आएगी, कौन सी है विषम संख्या, 51 के बाद कौन सी विषम संख्या आएगी, 53, 53 के बाद 55, 51 से पहले 49, 49 से पहले 47। अब देखो क्रमागत पांच विषम संख्या है या नहीं है, 49 के बाद में 50 नहीं, सॉरी 47 के बाद में 48 नहीं, 49 50 नहीं, 51 52 नहीं, 53 54 नहीं और 55 आ गई पांचों विषम संख्या है। अब कौन सी निकालनी है, प्रथम, ये प्रथम आंसर, अंतिम, ये अंतिम आंसर, फर्स्ट लास्ट ये आंसर, ठीक है। अब ये बोलता प्रथम अंतिम का योग, तो भी योग कर लेते, प्रथम और अंतिम का अंतर तो भी निकाल लेते, गुणा तो भी निकाल लेते, ठीक है ना। कितना आसान था एक लाइन में, अपन ने इतनी मेहनत वैसे ही की, लेकिन वो चीज़ समझनी भी तो ज़रूरी थी। बाकी ये वाला तरीका तो मैंने पहले ही सिखा दिया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि 50 60 40 विद्यार्थियों के किसी समूह में, यदि 50 60 और 40, कितने 50 60 40 विद्यार्थियों के किसी समूह है के औसत अंक हमें दे रखा है। यदि 50 60 और 40 विद्यार्थियों के किसी समूह के औसत अंक दे रखे हैं 50 55 और 60 है, विद्यार्थी कितने 50 60 40, औसत अंक कितने 50 55 और 60 है, तो सभी विद्यार्थियों का औसत, सभी विद्यार्थियों का औसत ज्ञात कीजिए। आया समझ में? यदि 50 60 40 विद्यार्थियों के अलग अलग औसत आए, 50 के 50 आया, 60 के 55 आया, 40 के 60 आया, हमें निकालना सभी विद्यार्थियों का औसत। हमें तो एक ही फॉर्मूला आता, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों की संख्या कितनी हो जाएगी 50 60 40। ये बोल रहा है अगर 50 विद्यार्थी ऐसे जिनका औसत 50 आया, या तो आप ऐसे लिखो 50 कितनी बार, 50 बार, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे
पचपन कितनी बार? पचपन लिखो 60 बार। उसके बाद क्या लिखेंगे? 60 लिखेंगे कितनी बार? 40 बार। ऐसे फिर नीचे जोड़ो 50, 60 और 40। 50, 60 और 40। एक तरीका तो हुआ ये, 50 को लिखो 50 बार, 55 को लिखो 60 बार, 60 को लिखो 40 बार, सबको जोड़ो, फिर नीचे क्या लिखेंगे? 150 का भाग दे देंगे तो अपने आंसर आ जाएंगे 4-5 दिन में। ठीक है, एक्चुअल में होता ये है, अपन क्या करते हैं इसको सीधा कर लेते हैं, 50 × 50 प्लस 60 × 55, ठीक है, प्लस 40 × 60 बटा, ये तो हो गया राशियों की संख्या, राशियों का योग 50, 60, 40। 50 × 50, 60 × 55, 40 × 60 बटा राशियों की संख्या। करो सॉल्व इसको, 2500 जीरो, 6 × 5 = 30, 30 + 3 = 33, 6 × 4 = 24 डबल जीरो बटा 150। आगे समझ में? आगे देखो, आगे क्या होगा, इन तीनों को जोड़ लो, 00 = 4, 3 = 7 और 5 = 12, कैरी 1 = 3, 3 = 6 और 1 = 7, 8 बटा 150। यहाँ तक कोई दिक्कत? काट लो, 0 से 0 कटेगा, 15 का भाग इसमें देंगे कितनी बार जाएगा? आप तो 5 से काट लो, 3 बार, 1 बार, 6 बार, 4 बार, कटेगा पूरा तो कटेगा ही नहीं, 5 × 5 = 6, 7 = 8, 3 × 5 = 30, 2 × 5 = 20, 164/3 ये आ जाएगा अपना आंसर। इसको और सोल्व करो तो 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 13 × 14 = 2/3 आंसर। एवरेज औसत कितना आया? और सोल्व करो, इसका मतलब क्या होता है? 54.66 आंसर। अपन ने परसेंटेज में पढ़ा था 1/3 का मतलब क्या होता है? 33.33, इसका डबल 2/3, 2/3 क्या होगा? 33 का डबल क्या होगा? 66.66। आया समझ में? याद आया? वहाँ से लिया मैंने ये। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक बार वापस देख लो इसको, विद्यार्थियों की संख्या और विद्यार्थियों का औसत को अपन ने गुणा कराया, पहले ये विद्यार्थी थे तो इनका औसत ये था, फिर विद्यार्थी इनका औसत, विद्यार्थी इनका औसत बटा क्या किया? विद्यार्थियों की संख्या। सोल्व किया, गणित थी कैलकुलेशन। एक कक्षा में, इसी प्रकार का क्वेश्चन है, एक कक्षा में 25 लड़कों का प्राप्तांक 55 अंक, 15 लड़कियों का 45 अंक है तो पूरी कक्षा का औसत है। चलो, एक कक्षा में 25 लड़कों का औसत, लड़कों का औसत, एक कक्षा में 25 लड़कों का औसत 55 अंक तथा कितनी लड़कियां? 15 लड़कियों का, 15 लड़कियों का
45 अंक है तो पूरी कक्षा का औसत निकालना है। 25 का 55 है, 15 का 45 है, पूरी कक्षा का औसत ज्ञात करना है। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूं, आप करो। चलो इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज कर सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को करो, फिर आगे देखना। पच्चीस लड़कों का औसत है 55 अंक, प्लस 15 लड़कियों का औसत है 45 अंक, और कक्षा में कुल कितने लड़के लड़की है? 25 प्लस 15। अब आप कर लोगे इसको, कैलकुलेशन है। करें 25 पंजे 125, 12 25 पंजे 125, 135 36 37। तेरह सौ 75, 15 5 75, 60 और 7 675, 15 5 75, 5 6 7, 5 4 15 6 60 और 7 67। नीचे क्या आएगा? 25 30 और 40 40। इसको करो सोल्व। 5 5 10 14 1 15 9 1 10 2, 2050/40। 0 से 0 जाएगा, काटो इसको। 4 5 20, 4 1 4, 1/4 आंसर। 4 5 20, 4 1 4, 51 सही, 1/4। 1/4 का मतलब क्या होता है? 25। अपन ने सीखा था 1/4 का मतलब 25, 2/4 का मतलब 50। अरे नहीं होता 2 से 2, 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा, आधा का मतलब 50। परसेंटेज में सीखा था, परसेंटेज सब जगह काम आता है। ये देखो यहाँ पर भी काम आया करने में, 1/4 बराबर डायरेक्ट कर लिया अपन ने। 51.25 औसत है पूरी कक्षा का, 40 विद्यार्थियों का औसत क्या आया? 51.25। ठीक है, एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो की स्पीड ज़्यादा लग रही है तो YouTube पे ऑप्शन आता है, आप स्पीड कम करके भी देख सकते हो। अगर ज़्यादा कम लग रही है स्पीड तो आप बढ़ाकर भी देख सकते हो, लेकिन देख जरूर सकते हो, देखना तो है ही है। चलो, x राशियों का औसत है y स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है, चल राशियों वाला। x राशियों का औसत कितना है y स्क्वायर? x राशियों का औसत है y स्क्वायर तथा y राशियों का औसत वही राशियों का औसत है x स्क्वायर। हमें निकालना है x प्लस वाई का औसत। आया समझ में? x राशियों का औसत दे रखा है वाई स्क्वायर, वाई राशियों का औसत दे रखा है x स्क्वायर। x प्लस वाई निकालना है औसत। कैसे निकालेंगे? पहले गुणा करेंगे, x इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है, फिर y इंटू x स्क्वायर। नीचे क्या आएगी? राशियों की संख्या x प्लस वाई,
एक्स प्लस वाई, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? एक्स वाई दोनों में है, तो एक्स वाई को बाहर ले लो। देखो एक्स वाई दोनों है, एक्स वाई बाहर आ गया, वाई स्क्वायर है तो क्या बचा? वाई। एक्स वाई बाहर आ गया तो क्या बचा? एक्स। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? नीचे है एक्स प्लस वाई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई या वाई प्लस एक्स, एक्स वाई, एक्स में वाई जोड़ो या वाई में एक्स जोड़ो, एक ही बात है। नीचे क्या है? एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई उड़ गया, क्या बचा? एक्स वाई। ये क्या है? ये है अपने आंसर। क्या है अपना आंसर? एक्स वाई। ठीक है, देखो x राशियां थी, औसत था वाई स्क्वायर, तो अपन ने क्या किया? एक्स वाई स्क्वायर कर लिया। फिर क्या? y राशियां थी, वाई राशियां थी, एक्स स्क्वायर औसत था, दोनों को जोड़ लिया, फिर राशियों की संख्या x बटा वाई, दोनों में एक्स वाई कॉमन आया, क्या बचा? एक्स वाई बटा एक्स वाई, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, एक्स वाई आ गया अपना आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था, आपको आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा इस तरीके से, चाहे इस तरीके से या वापस एक बार देखकर, लेकिन समझना ज़रूर है, या इससे पहले ही समझ में आ गया होगा क्योंकि इस टाइप का अपन ने ये तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू रहती थी इसलिए आपको थोड़ा अजीब लगे क्योंकि एक्स वाई वाले है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे एवरेज, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, अभी तो शुरू हुई है, इसके बाद और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।